नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मधु सिंह। शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। आज आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा। रविवार की रात को अंडाल एयरपोर्ट पर पहुंचे मंत्री मलय घटक। सांसद कल्याण बैनर्जी ने अंडाल एयरपोर्ट पर किया उनका स्वागत। शत्रुघ्न ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़े तो वह स्थानीय और मैं आसनसोल से चुनाव लड़ूं तो बाहरी। उन्होंने कहा कि विरोधियों को खामोश करने आया हूं। आना हुआ है उनके निमंत्रण पे। मुझे पूरा विश्वास है कि आसनसोल और बंगाल की जनता, खासकर हमारे मुलय बाबू, हमारे साथ कल्याण बाबू हैं और जितने हमारे एमएलए हमारे साथ दिख रहे हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं और सबसे ज्यादा जितने सबकी जीत होगी, ये कार्यकर्ताओं की जीत होगी, ये आपकी हमारी जीत होगी, ये ममता जी की जीत होगी। आज दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पेश हो सकते हैं तृणमूल सांसद अभिषेक बैनर्जी। रविवार को ही कोलकाता से दिल्ली के लिए हुए थे रवाना। दिल्ली जाते वक्त अभिषेक ने कहा था, कुछ भी हो जाए सिर नहीं झुकाऊंगा। इट कम्स एट अ टाइम व्हेन द पार्लियामेंट स्टार्ट्स, व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन, व्हेन देयर आर सम काइंड ऑफ बाई इलेक्शंस। So the central government or the BJP, despite all its might, blitz and vigor, they are failing to take on Trinamool Congress electorally and democratically. That is the reason they are taking on Trinamool by using the agencies. We have defeated them and Trinamool Congress, with the blessings and love of the people of Bengal, has won the state lock, stock and barrel in the last 1 year. And that is the reason BJP is not able to digest this electoral defeat. That is the reason they are calling us. Whoever will take the people's side, they will harass them. But we are not like other members in the opposition. We will fight till the last drop of our blood, but will not be cowed down before this order. सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म का रंग होगा सफेद और नीला। राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं के यूनिफॉर्म सफेद और नीले रंग के होने जा रहे हैं। इसके साथ ही यूनिफॉर्म में विश्व बांग्ला का लोगो लगा होगा। छात्रों का पैंट नीला तथा शर्ट सफेद रंग का होगा। छात्राओं के लिए सफेद शर्ट, ट्यूनिक, फ्रॉक, शर्ट, स्कर्ट, उच्च कक्षाओं की छात्राओं के लिए नीला सफेद में सलवार कमीज व दुपट्टा होगा। राज्य सरकार प्री प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को यूनिफॉर्म प्रदान करेगी। एक नजर जिलों से जुड़ी बड़ी खबरों पर। अंडाल में गृहिणी की हत्या। अंडाल थाना के श्रीरामपुर गांव के बाउरी पाड़ा निवासी एक गृहिणी की हत्या कर दी गई। मृतका का नाम प्रिया बाउरी है। हत्या का आरोप गृहिणी के पति, ससुर और सास पर है। वारदात को लेकर ग्रामीणों में अभियुक्त के घर के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर परिस्थिति को नियंत्रण करते हुए अभियुक्तों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। আমাদের মেয়ে কে একদিন অনুষ্ঠান ছিল বাড়িতে এসেছে বাড়িতে এসে মেয়ে কে মারধর করছিল কাকাতে বলতে চাইলো যে মাছিস করে তুই স্বামী স্ত্রী বিপদ চাই সকলে হবে বলছে ভুল হয়ে গেছে ঠিক আছে সমাধান করে নিচ্ছে ভালোবেসে যখন বিয়ে করেছে তখন মারার কি দরকার ছিল ওকে ভালোবাসা করে বিয়ে করে তার শাস্তি চাই আমরা যে ছেলেকে একবার গড়াগাড়ি। अरमान हत्या मामले में पुलिस ने किया 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार। पानीहाटी के आगरपाड़ा नया बस्ती इलाके में मोहम्मद अरमान की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों शेख बसीर और मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें रविवार को बैरकपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद से हत्या मामले में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। दोनों का दावा है कि अरमान ने उन दोनों के ही पिता की हत्या की थी और जेल से छूटने के बाद वह उन्हें भी मार डालने की धमकी दे रहा था। देश दुनिया की बड़ी खबरों पर एक नजर। इमरान को याद आया भारत। पाकिस्तान के पीएम बोले, हिंदुस्तान की दाद देता हूं, उनकी डिप्लोमेसी आजाद, वो बेखौफ रूस से तेल खरीद रहे हैं। पेश है आज का राशिफल। आज का पंचांग एवं राशिफल। 21 मई 2022 राष्ट्रीय तिथि 31 फागुन सके 1943। मेष राशि वालों के लिए किसी पारिवारिक प्रयास में प्रगति संभव है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन लाभदायक हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए प्रगति प्रधान दिन बने रहने की आशा है। कर्क राशि वालों के लिए कोई पारिवारिक समस्या चिंता का कारण बन सकती है।
सिंह राशि वालों के लिए सहयोगियों को सहयोग के साथ कर्म सूत्र में जुड़ने वाला आज का दिन है। कन्या राशि वालों के लिए आज आर्थिक प्रगति के कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए अवसर प्रदान करने वाला दिन हो सकता है और वृश्चिक राशि वालों के लिए लेन देन में सावधानी बरतने वाला आज का दिन है। थोड़ी गलती हुई तो चिंताकारक स्थिति बन सकती है। धनु राशि वालों के लिए चल रहे प्रयासों में आज प्रगति की संभावना है। मकर राशि वालों के लिए बकाया भुगतान आज थोड़े प्रयास से मिल सकता है और कुंभ राशि वालों के लिए पूरी निष्ठा के साथ चल रहे प्रयासों को गति प्रदान करने वाला आज का दिन हो सकता है और मीन राशि वालों के लिए मानसिक शांति बनाए रखते हुए कोई भी निर्णय अपनों का राय परामर्श में लेने वाला आज का दिन है। इसके साथ ही सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक के लिए इतना ही। सभी विस्तृत खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।